चाहिए आपको? ऐसे तो मिलना नहीं वाला। अब एक और चीज याद रखना, अगर आपको सक्सेस जल्दी मिल जाए ना, एक मेरे फ्रेंड के साथ ऐसे ही हुआ, क्योंकि आपने जब बिजनेस चालू करते फ्रेंड भी करा अपना आपने करा और वो अपने से ज्यादा सक्सेसफुल है, उनको तो जेलसी हो जाती है। मेरे को तो होती है, कई लोगों को होती है, पता नहीं है, तो मेरे को तो जेलसी होती है ना, वो सक्सेसफुल ही मैं तो अभी किस रही हूँ। अब हुआ कि आप धीरे धीरे मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ धीरे धीरे उसकी चीढ़ी थप से गिर गई, पता नहीं कुछ आज से गिर गई। तो उसके उसने मेरे को फ्रेंड ने तो एहसास कराया कि देख गुजन, तेरे को धीरे धीरे सक्सेस मिली तो तू एडजस्ट कर रही थी उसको, और तेरे को जब नहीं मिल रही खेल रहे थे तो यू नो यू 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 बिल्ड योर इम्यूनिटी अगेंस्ट फेलियर, उसको सक्सेस जल्दी मिल गई इसलिए ही कुड नॉट बिल्ड हिज इम्यूनिटी अगेंस्ट फेलियर। तो जब उसको तुरंत फेलियर मिली तो ही उसकी हेल्थ बिगड़ गई, डिप्रेशन आ गया, यू नो ऑल दोस थिंग्स हैपन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सक्सेस जल्दी नहीं मिलनी चाहिए, वरना आप फेलियर को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डाइजेस्ट फेलियर, अगर डाइजेस्ट फेलियर कर पाओगे तो सक्सेस हो सकती है। तो कभी कर दो फेलियर स्टडी लेते तो सक्सेस। ब्रांडिंग करना था,
your brand is important when you are in the local market and selling things. Your brand is very important. If you have not sold, then you have no money. You were talking about license, or you were some other companies who were also going to license companies. There were a lot of companies, two, three more companies, and they would buy a lot of costly things also. So branding karna tha. तो ब्रांडिंग के लिए पैसा है तो बहुत जरूरी होता है. तो मैंने कहा नहीं भैया पैसा तो है नहीं. तो व्हाट आई डिड वाज कि अभी वी आई कन्वर्टेड माय इंफ्रास्ट्रक्चर. जो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर था लाइक माय केबल्स, माय कस्टमर्स, वेयर माय इंफ्रास्ट्रक्चर, माय प्रॉपर्टी. तो मैंने उनको कन्वर्ट किया और उनको मैंने कहा कि लेट्स आई गिव एन एग्जांपल कि नवरात्रि का टाइम था. तो लॉट ऑफ पीपल वांटेड कि नवरात्रि के टाइम पे उनके गरबे में यू नो यू कीप योर बैनर्स एंड यू प्रमोट देयर गरबा. तो व्हाट आई गरबा, सो व्हाट आई डिड, आई प्रमोटेड देयर गरबा ऑन माय नेटवर्क टू माय कस्टमर्स by mailers, by putting up flashes and things like that. Email flashes, फिर हमारे डायलर्स पे उनके एडवर्टाइजमेंट प्लान करता था. उसके कारण क्या हुआ कि अल्टीमेटली वी डिड लॉट ऑफ पार्टनर सिस्टम्स. सो दिस इज हाउ व्हाट वी मेड आवर ओन ब्रांड. और लोगों को ना एक जमाने में वो एसई रोड पे 20 गरबा है भी उसने 20 गरबा में आपको ई कॉम दिखाई दे, पासेस के पीछे कॉम दिखाई दे, तो लोगों को लगा अरे यार ये तो हुआ क्या. सक्सेस ब्रिंग सक्सेस. तो लोग उस पर हमारा देखे ना सीखा तो हमारे पास आ भैया पैसा वैसा नहीं है, गलत फैमिली में रही हो मत, इस तरह करना है तो बोल. दूसरों ने भी किया हो तो उसको लगा दूसरों ने किया तो मैं भी करूं. तो यू नो दिस टाइप ऑफ थिंग, दिस कास्केडिंग इफेक्ट हेल्प्स अ लॉट. तो इससे हमको फायदा बहुत हुआ कि एक आया, दो आया, तीन आया, फिर रेस्टोरेंट्स पे हमारा काफी ब्रांडिंग हो जाता, फिर गरबा हुआ, फिर ये कौन सी नाइट होती थी वो गाना 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 और फिर फायदा क्या, हम क्या करते थे जो उसकी डील करते थे ना 200-500 क्रास फ्री में मांग लेने का और वो अपने कस्टमर को देने का. उदित नारायण की नाइट के लिए कस्टमर माइंड लग जाएगा उसके बाद, जैसे एक ईमेल जाओ ना बड़ी लाइन लग जाएगा हमको पास ही, हमको पास ही. सो ना इससे हमारी ब्रांडिंग बहुत बढ़ती है, भयंकर बढ़ती है. लोगों को लगे हमने कुछ 2-5, 25-50 हज़ार दिए होंगे, 2-5 लाख दिए होंगे, लेकिन ऐसा लगे तो लगने देने का मना नहीं करेंगे. अच्छा लगता है
एंड सेकंड जो कॉम्पिटिशन विद ड्यू रिस्पेक्ट, कॉम्पिटिशन हेल्थी भी होता है बट कीड़े होते हैं, वो आपको ऐसे कीड़े मेरी कंपनी में लाके मैं और क्यों गंदगी फैला पाऊँ, ये मेरा फंडा क्लियर है. तो आई वुड नेवर टेक अप पीपल फ्रॉम कॉम्पिटिशन बट व्हाट आई वुड आई वुड गिव चांसेस टू फ्रेशर्स. और फ्रेशर्स इन 80-90% पीपल इन माई कंपनी आर फ्रेशर्स बिकॉज गुड पॉइंट इज कि दे आर फ्रेशर्स, द बैड पॉइंट इज दे आर फ्रेशर्स, दे डोंट नो एनीथिंग. द गुड पॉइंट इज दैट दे डोंट नो एनीथिंग आई कैन मोल्ड देम. अगेन द बैड पॉइंट इज कि दे कैन नॉट टेक प्रेशर्स एंड दो गाली बोलो मेरे बाप ने भी नहीं बोला मुझे बोलो, अरे यार तो सुन लेना और बाप ने नहीं बोला तेरे घर देखने आनी थी क्या मैं गाली तो मैंने कहा होगी होगी सॉरी यार अगर तेरे को इतने गाली में लग जाएगा तो दिस इज द रॉन्ग प्लेस फॉर यू इफ यू कांट टेक प्रेशर दैट दिस इज संडे छुट्टी किस चीज की. मुझे तो यही समझनी पड़ती है कि ऐसे अपने लोग सबको मोटर बाइक चला के वो एडिनालिन दिखाते और संडे छुट्टी के चाहिए काम करो प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ एफिशिएंसी बढ़ाओ. सो कमिंग बैक टू सो दिस तो टिक जाता था, ऐसा टफ आदमी होता तो मेरा टिक जाता था बाकी. और जिसको दो महीने पहले गाली दी हो उसको छोड़ रहा मैडम, मेरे को दो महीने पहले गाली दी टाइम पे छोड़ रहा हूँ. मैंने कहा था दो महीने पहले छोड़ देता यार इतना रुका क्यों तू. बट अगेन डायरेक्ट बैड मेमोरीज और बैड मेमोरीज एक भी चीज सॉरी गाइस बट आई लाइक टू टेल यू कि मैंने